माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम हसबनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर नऊज़ु बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा समिअल्लाहु लिमन दअ लैसा वरा अल्लाहिल मुंतहा व मन इअतसम बिल्लाहि नजा والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान, आज का दर्स आहकाम के अंदर कुरान नमाज के बारे में ये है कि कब और कहाँ नमाज क़स्र हो जाती है। हमने अब तक मुख्तलिफ अमूर के बारे में, जगह के बारे में, लिबास के बारे में वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में बात की हुई है और उसमें कुछ मुतफरिक बातें हैं, उनका ज़िक्र करेंगे और उसके बाद आएंगे नमाज़ क़स्र पर। पहले मुतफरिक बातें, यानी मकानी नमाज के बारे में कुछ मुतफरिकात, यानी मुतफरिक बातें कुछ। ये हमें ख़त्म किया है उनवान, लेकिन कुछ मसाइल रह गए हैं और उनको इनफरादी तौर पर समझना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है, कहीं ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ हरकत हो रही है, जैसे मिसाल के तौर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और नमाज का वक्त आपके हाथ से छूट रहा है, तो ऐसी सूरत में आप नमाज पढ़ेंगे गाड़ी के अंदर ही, अगर वुज़ू किया हुआ हो, वरना वुज़ू करेंगे तब पढ़ेंगे। तो लेकिन गाड़ी में हरकत होती है और कभी क़िबला की तरफ से आपकी सिमत जो है वो बदल जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है कि अगर कोई जगह मुतहरिक हो, गाड़ी हो, किश्ती हो, हवाई जहाज़ हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ की हरकत हो रही है, तो उस सूरत में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हरकत हो रही हो तब कुछ नहीं पढ़ना है। जब हरकत बंद हो जाएगी तब आप नमाज आगे पढ़ेंगे, फिर हरकत हो गई फिर चुप रहेंगे, फिर हरकत बंद हो गई फिर पढ़ेंगे। गाड़ी कबले की सिमत बदल के दूसरी तरफ बदल गई तो आप भी अपनी सिमत को कबले की तरफ मोड़ देंगे, यानी हर वक्त कबला रो रहना होगा और जब हरकत होगी तो हरकत के वक्त नमाज को मुअत्तल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो ये है कायदा, जब आप किसी ऐसी जगह, क्या किसी ऐसी चीज़ में नमाज पढ़ रहे हैं जिसमें हरकत है, जैसे किश्ती में है, आप किश्ती है लहरों पे जा रही है तो हरकत कर रही है तो नमाज नहीं पढ़ सकते। जब हरकत नहीं होगी उस वक्त नमाज पढ़ेंगे, आप नमाज तोड़ेंगे नहीं, मगर ये कि खामोश रहेंगे जब तक हरकत ख़त्म हो जाए। हरकत ख़त्म हो गई आप नमाज को आगे ले जाएंगे, समझ रहे ना मेरी बात? तो ये पहला मुतफरिकात में से एक चीज़, जगह के बारे में। हरकत में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, बातिल है अगर हरकत में आपने नमाज पढ़ी।
और जब हरकत बंद होगी तो नमाज़ पढ़ेंगे, हरकत फिर हो गई मौतल रहेगी आवाज़, आप कुछ नहीं बोलेंगे, हरकत बंद हो गई फिर पढ़ेंगे, इस तरह से धीरे धीरे आप आगे चलेंगे। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? इज़्तिरारी तौर पर, मुश्किल के तौर पर, क्योंकि आपकी नमाज क़ज़ा हो रही है तो इसलिए आप मजबूर हैं पढ़ने में। तो लेकिन उस सूरत में भी आप एक तरह से आप कहेंगे रुक रुक के आप भी पढ़ेंगे, हरकत भी रुक रुक के आ रही है तो आप भी नमाज भी रुक रुक के पढ़ेंगे। तो ये एक चीज़ है। एक दूसरी चीज़, मोटर हो, जहाज़ हो, ट्रेन वगैरह हो, तो नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन डाँव वाडोल नहीं होनी चाहिए। जैसे ट्रेन में आराम से आदमी पढ़ सकता है, वो ज़्यादा डाँव वाडोल नहीं होती है, उसमें हरकत ज़्यादा नहीं होती है, आराम से पढ़ सकता है आदमी ट्रेन के अंदर। जहाज़ के अंदर भी आराम से पढ़ सकता है, कभी जहाज़ को आप लगेगा सिमत बदल गई, आपको भी मुड़ना होगा, कबले की तरफ ही हर वक्त रहना होगा, लेकिन नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मोटर है, आप सोमो में सफ़र कर रहे हैं और सड़क जो है वो एक सांप की तरह मुड़ रही है, इधर उधर जा रही है, तो आप नहीं पढ़ सकते ऐसी सूरत में। लेकिन अगर ऐसी सड़क हुई जिसमें कि हमवार सड़क है, बिल्कुल एक ही ईश्वर है और हरकत ज़्यादा नहीं हो रही है, तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह कभी ढेर होता है, हमारे जो ये होते हैं ये किसान लोग कभी ऐसा करते हैं, मक्की की फसल का होती है, गेहूं की फसल होती है, चावलों की, धान की फसल होती है, और उसके ढेर लगे होते हैं, दाएं भी बाएं भी, उधर भी उधर भी, जगह नहीं होती नमाज पढ़ने की। अगर किसी ढेर पे चढ़ के नीचे से खिसक नहीं रहे हैं, आपके गेहूं है, धान है, कुछ और है, वो खिसक रहा है, आप में सुकून नहीं आएगा, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन अगर खिसकने वाली चीज़ ना हुई, ऐसी हुई, वो ढेर ऐसा है कि खिसकेगा नहीं, आप बड़ा सा ढेर है आपके बीच में खड़े हैं, वो नहीं खिसकता है, वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन सिरे पर होंगे तो जो वो गेहूँ का ढेर है, शाली का ढेर है, वो आपके पाँव से सिर के चला जाएगा, तो आपका इधर उधर हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से एक ऐसी जगह जहाँ ख़तरा है कि छत गिरेगी, आप किसी जगह हैं वहाँ ख़तरा है छत गिरेगी, बहुत कमज़ोर छत है, और जैसे जलजला हो रहा है, आपको लग रहा है कि अभी गिरेगी, कुछ बात हो गई कि ये गिरेगी, बहुत सख्त हवा जा रही है, आंधी चल रही है वगैरह वगैरह, ऐसी जगह नमाज जो पढ़ना है तो ऐसी जगह नमाज नहीं हुई पढ़ी जाएगी, बातिल होगी, क्योंकि उस जगह ठहरना हराम है, अपने आप को बचाना वाजिब है, वहाँ से निकलना है, तो वहाँ चूँकि रुकना हराम है इसलिए नमाज भी बातिल होगी अगर आप ऐसी सूरत में नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह से कभी फ़र्श ऐसा होता है जिस फर्श पे नाम लिखे होते हैं, अल्लाह का नाम है, इमाम मासूमीन का नाम है, पैगंबरों के नाम है, तो उस पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नामों के बगैर होना चाहिए तब आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह वो जगह जहाँ आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, सजदे की जगह नजस है, बाकी नजस हो कोई परवाह नहीं, लेकिन सजदे की जगह पाक होनी चाहिए। जाए सजदा जो है, हमने ये पढ़ा है पीछे, जाए सजदा नजस हुआ तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो एक और अहम चीज़, ख़ासकर जो ज़ियारतों पर लोग जाते हैं, हमने देखा है कि वहाँ नामहरम मर्द और नामहरम औरतें एक ही जगह नमाज पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब यकीन हो कि हराम में मुबतला नहीं होंगे, नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि औरत पीछे हो आगे ना हो, ऐसा हो सकता है, नमाज पढ़ सकता है आदमी, लेकिन मसला यह है कि तन्हाई ना हो, एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत एक ही जगह हो और कोई ना हो, तन्हाई है, सिर्फ दो आदमी है, ऐसी जगह पर जो नमाज है वहाँ रहना, जमा होना मकरूह है, तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अगरचे नमाज बातिल नहीं होगी, नमाज ठीक है सही है, लेकिन पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कराहत की जगह पे वो दोनों यकजा हो गए, समझ रहे कि नहीं। और अगर कभी इस बात का अंदेशा हुआ कि तोहमत लग जाए, फिर तो हराम है, फिर उधर तीसरा शख्स जो है वो शैतान होता है। तो इस तरह से ये मुतफरिक जो मसाइल हैं इसके बारे में ख़त्म हो गए। अब रहा सवाल नमाज कसर का, कसर की बात, कसर क्या होता है? कसर तकसीर से निकला है, कसर, कसर, कसर लफ्ज़ निकला है तकसीर से,
तकसीर का मायने है कम करना, तकसीर कम करना, जैसे जो कद से कम हो आदमी उसको कसीर कहते हैं, छोटा तंग, ये ठिकना जो होगा कसीर। अब कसर के मायने हैं कम करना, और सिर्फ एक नमाज को कम किया जा सकता है, वो होता है चार रकती नमाज। तो लिहाजा या तो आप जहर और असर को कसर करेंगे, जहर और असर को, या अशा को, अशा को, जहर को और असर को आप कम कर सकते हैं। कैसे कि चार रकत के बराबर सिर्फ दो रकत पढ़ेंगे, बाकी जो नमाजें दो हैं, एक सुबह की और एक शाम की, मगरिब की नमाज और सुबह की नमाज, सुबह की नमाज सिर्फ दो रकतें हैं, कसर नहीं हो सकती, वरना तो एक ही रकत पढ़नी पड़ेगी और वो नमाज नहीं हुई बगैर नमाज वितर के, आप समझ रहे ना। इसी तरह जो मगरिब की नमाज है तीन रकतें हैं, तो इसको कसर नहीं किया जा सकता, आप दो करेंगे तो बाकी दो नहीं रह गए, बाकी एक ही रह गई, क्योंकि तीन ही रकतें हैं, इनको भी कसर नहीं किया जा सकता। इसलिए कसर का मसला जो है वो अप्लाई होता है, लागू होता है एक जहर पर, एक असर पर और एक अशा पर। लेकिन ये कसर कब पढ़नी है नमाज, जबकि अल्लाह की तरफ से एक तरह से मेहरबानी है, छूट है। कब छूट है? जबकि आदमी सफ़र में हो। सफ़र में जो आदमी हो उस वक्त अल्लाह की तरफ से छूट है, आप पूरी चार रकत वाली नमाज, चार ना पढ़ें, सिर्फ दो पढ़ें काफ़ी। कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं अब क्या फ़ायदा ये छूट लेने का, दो रकतें कौन सी बड़ी बात है, मैं चार की चार पढ़ूँगा। आप समझने कि नहीं, खासकर हमारे कुछ दूसरे मसलक के लोग ये कसर वाला मसला कम ही फासले पर नहीं मानते, उनके यहाँ फासला बहुत लंबा होना चाहिए, कईयों के 98 किलोमीटर है, कईयों के 100 कुछ किलोमीटर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आपका मालिक आपको छूट दे रहा है, आप जो छूट नहीं ले रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आपने की भी एक तरह से हुक्म उदू लिखी, मालिक को खातिर में नहीं लाया। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं नमाज ख़त्म की और आप अभी सफ़ू में ही होते हैं, और जो ये मोहरे हैं यानी सजदगाह है, इनकी उस पेटी में ठक 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 की आवाज़ आने लगती है, यानी लोग फेंकते रहते हैं सजदगाह उस पेटी में और भागते रहते हैं, यानी नमाज पढ़ने के बाद, नमाज के बाद सलाम फेर दिए और भागने लगे, यानी वो दुआ भी मांगना अच्छा नहीं समझते, गवारा ही नहीं करते। शायद उनको ये ख्याल है कि कौन देने वाला है, मांगना क्या फ़ायदा, या तो देने वाला होता, अब देने वाला क्या देगा, खुदा जो मेरा हाल है तो बस वही है, गोया खुदा को बख़ील समझते हैं, एक तरह से तौहीन करते हैं अल्लाह मियाँ की, आप समझे कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह से ये कसर के वक्त कसर न पढ़ना, ये भी अल्लाह के मेहरबानी की तौहीन है, हम उसकी मेहरबानी को खातिर में नहीं लाते हैं, हालांकि एक तरह से छूट अल्लाह ने दी है, हमें कबूल करना चाहिए, मालिक है, जो मर्जी है, जो कहेगा करना वो कबूल करना, ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, निसफी क्यों पढ़ूँ, पूरी पढ़ूंगा। अरे बाबा, अल्लाह ने आपको कहा है निसफी पढ़ो, तो उसका हुक्म हर हाल में हुक्म है, चाहे आपको कहे चार रकतें पढ़ो, चाहे कहे दो ही रकतें पढ़ो, कहीं खुश आ जाए अल्लाह को कहे आज के बाद नमाज ही ना पढ़ो, तो उस वक्त क्या नमाज पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। हम जो भी इबादत करते हैं अल्लाह के कवानीन के तहत करते हैं, और जो कवानीन है उसी के मातहत चलते हैं, इसलिए कसर की जाती है जब सफ़र हो तो सफ़र के अंदर। अब सफ़र किस चीज़ को कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं आजकल हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जहाज़ में बैठ के करते हैं, तो ये कौन सा सफ़र है, कोई मशक्क़त नहीं, कोई मुश्किल नहीं, पुराने ज़माने में चल चल के पसीने हो के इंसान पता नहीं किस हाल में पहुँचता था, तो तब कसर थी, आजकल तो जहाज़ों में सफ़र है, हज़ारों किलोमीटर तय करता है एक चश्म ज़दन में, ठीक है कि नहीं। इसलिए क्या फ़ायदा ये कसर होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि अल्लाह नसीहतें कबूल नहीं करता, नसीहतें करता है, जब वो नसीहतें करता है तो वो माननी चाहिए, आप नसीहतें करने ना बैठे, आप समझे कि नहीं। कभी ऐसा होता है कि एक बाप या एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को या अपने बेटे को कोई काम करने के लिए कहता है, जाओ फलां काम करो, तो आपका उसका दिल नहीं करता है वो काम करने का, फिर वो बैठता है वापस नसीहत करने अपने बाप को या अपने भाई को,
वो काम इस वक्त अच्छा नहीं करना है, वो शाम के वक्त करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यानी वापस वो नसीहत करता है। इसी तरह ऐसे लोग जो ये सोचते हैं, ये गोया अल्लाह को नसीहत करते हैं, अपने आप को वो दाना समझते हैं, और हकीम जो असली है, जो दाना है, उसको दाना नहीं समझते। लिहाजा इस तरह की बातें करना लघु है, गलत है, बेफायदा है, बेमतलब है, बल्कि इसे जसारत कहा जा सकता है। अल्लाह के हुजूर जसारत करना छोटी बात नहीं, गज़ब हो जाएगा, इसलिए ऐसी बातें करना रवा नहीं है। अब सफ़र कितना होता है हमारे यहाँ, हमारे मसलक के हिसाब से जब आप 8 फरसख तय करेंगे, 8 फरसख की मुसाफत तय करेंगे, आप सफ़र करेंगे 8 फरसख, चाहे पैदल चलें, चाहे घोड़े पे चलें, चाहे अपनी मोटर कार में चलें, चाहे किसी भी कम्युनिकेशन के तरीके पे इस्तेमाल करके चलेंगे, तो लेकिन इतना फासला जब आप तय करेंगे, तो इस फासले से बाहर गए तो आपको कसर पढ़नी है नमाज, आपको नमाज कसर पढ़नी है। कोई अगर आप इस जगह से निकलें जेडीबल से, तो जेडीबल से जब 42 किलोमीटर 8 फरसख, जब 42 किलोमीटर आप क्रॉस करेंगे तो आपको क्या करना है, नमाज कसर पढ़नी है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें नज़र में रखनी हैं ताकि आदमी गलती ना कर ले। ये 8 फरसख वाला मसला जो है, अच्छी तरह से याद रखिए, ये 8 फरसख वाला मसला तब है, तब कसर होगी जब आप निकले हैं 8 फरसख की नीयत से। अगर आप 8 फरसख की नीयत से नहीं निकले, आप निकले मुझे जाना है नौहटा तक, नौहटा पहुँच गए काम पड़ गया, कहाँ नहीं लाल चौक जाना पड़ेगा, लाल चौक में मस्जिद काम पड़ गया, कहाँ नहीं पांपोर जाना पड़ेगा, पांपोर में जाके आपको भाई ओहो मुझे तो ओवंतीपोरा जाना है, और वहाँ से बीच बाड़ा जाना है, जहाँ तक आपने 8 किलोमीटर 8 फरसख वाला यानी 42 किलोमीटर का फासला पीछे छोड़ दिया और उसे आगे चले गए। मगर चूँकि आपने ये सेगमेंट्स में नीयत अपनी की थी, पहले तो नीयत थी हवल तक जाने की या नवाडा तक जाने की, तो लिहाजा असर नहीं है। वहाँ जाके नीयत बदल गई, लाल चौक पहुँचे, लाल चौक जाके नीयत बदल गई, तो आगे पहुँचते रहे नीयतें बदलती गई, तो नीयत एक ही नहीं रही। ऐसी सूरत में अनंतनाग पहुँच के भी आपको कसर नमाज नहीं पढ़नी, आप समझे कि नहीं, यानी इब्तिदा से ही नीयत होनी चाहिए इस सफ़र की, तभी कसर है, वरना कसर नहीं। ये बात ख्याल में रखें। एक नंबर दो ये कि मुमकिन है ये 8 फरसख वाला मसला जो है 42 किलोमीटर का, ये आप जाएंगे, आपको आपको ख्याल है कि 4 फरसख में जाऊंगा, 21 किलोमीटर तक मुझे जाना है, उसके आगे नहीं जाना, आप 8 फरसख नहीं बने ना, लेकिन अगर उसी दिन वापस आना है तो इधर के 21 उधर के 21 टोटल बन गए 42, तो टोटल जब ये आएगा तो अगर वापसी का इरादा है 21 किलोमीटर तक ही जाके वापस आने का, तो टोटल बनेगा 42 किलोमीटर यानी 8 फरसख, तो तब भी आपको इस दौरान जहाँ भी नमाज पढ़ेंगे कसर पढ़ेंगे। और जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ से सफ़र है, लेकिन कसर कब लागू हो जाएगी, जब आप हद तरखुस को क्रॉस करेंगे। हद तरखुस, तरखुस, हद तरखुस, हद तरखुस कहते हैं उस मकाम को जब आदमी घर से निकलता है, आम तौर पर जहाँ तक कभी अपने दोस्त को साथ जाते हैं वहाँ तक, फिर वहाँ से वापस आते हैं, उस वो चला जाते हैं, आप वापस आते हैं, ये हद तरखुस है एक तरीका बोलने का। दूसरा तरीका बोलने का ये है कि आप जहाँ तक जाते हैं और आपके अपने शहर की दीवारें नज़र आती हैं या इमारतें नज़र आती हैं, वो हद तरखुस के अंदर है। जो ही इमारतें धुंधली पड़ती हैं, आपकी आँख उसे क्लियरली दिखाई नहीं देती, तो आप हद तरखुस से बाहर चले गए हैं। इसी तरह से अगर आवाज़ अजान की हो रही है और अजान की आवाज़ जहाँ तक आपके कानों में पड़ रही है, तो वहाँ तक हद तरखुस है, कानों पर से कानों में आपके अजान की आवाज़ नहीं अब आ रही है, तो समझ लीजिए आप हद तरखुस से बाहर चले गए।
जब हद तरह उससे बाहर चलेंगे तभी लागू होगा ये कानून कि नमाज निसफी पढ़ेंगे। अगर उससे पहले ही अभी आप और नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज पढ़ सकते हैं, पूरी पढ़ सकते हैं और जा सकते हैं आगे, फिर आप क्यों ना पूरे 8 पढ़ सके, एक ही साइड में चलेंगे, तो वो वाली नमाज आपने उस वक्त पढ़ी जबकि आपके ऊपर फ़र्ज थी पूरी पढ़ना, इसलिए आपकी नमाज सही। लेकिन अगर आपने हद तरह उस होने तक नमाज का वक्त अभी नहीं हुआ, अभी अजान नहीं हुई, हद तरह उस आपने क्रॉस किया, तो आपको नमाज पढ़नी है सिर्फ निसफ, पूरी नहीं पढ़नी, कसर पढ़नी। अगर उसके अंदर ही नमाज का वक्त हो गया, आप नमाज पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी जा सकते हैं। या अगर आपने नमाज को मौखर किया और आप पूरे 42 किलोमीटर घूम के आए और अभी वक्त है नमाज का ही, वापस जब हद तरह उसके अंदर चले गए, अभी नमाज का वक्त बाकी है, जोहर का वक्त बाकी है, अभी आपने मिसाल के तौर पर सुबह चले, जोहर का वक्त अभी नहीं हुआ या जोहर का वक्त हुआ भी लेकिन आपने पढ़ी नहीं नमाज, वापस आए अपने घर की तरफ, हद तरह उसके अंदर गए, अब आपको कसर नहीं पढ़नी क्योंकि अभी नमाज का वक्त है और हद तरह उसके अंदर आपका वतन शुरू हो गया, आप पूरी नमाज पढ़ सकते हैं, कसर की ज़रूरत नहीं है। दो मसाइल हमारी शरीयत में मुश्किल हैं, एक है ये कसर वाला मसला और एक है खुम्स वाला मसला। इन दो मसाइल को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इनके अहकाम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि आपको कभी गलत फहमी ना हो और गलत हुक्म आप ना लगाएं। समझ गए कि नहीं? तो ये हद तरह उसका मामला, ये सफ़र का मामला बिलअमूम, आप इसको जब एनालाइज करेंगे फिर आपके जहन में बैठ जाएगी बात, और इसको इस कायदे में लाना, इसके शराइत बताना, 8 शराइत हैं। तो चूंकि वक्त ख़त्म होने लगा है तो इसलिए हम वो शराइत इस वक्त नहीं पढ़ेंगे, उनको मौखर करेंगे ताकि आप इसको कल पूरे तौर पर तरतीब से अच्छी तरह पढ़ेंगे ताकि बाकी चीज़ें आपके जहन में रहेंगे। आज का सबक इसी जगह तमाम करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।